Dear Bhaijaan, the song is a sincere effort from all of us to show you how much we love you. The song is also a bouquet of words that explains all that your fans know you as. We apologize for using the word Sallu Bhai. We know you may not like it, but we all fans love to address you with the same, and we know you will forgive us for that. Love you, Bhaijaan, and may Allah give you a long and healthy life. Amen. जी हाँ भाई और बहनों, ये है बॉलीवुड बस्ती और यहाँ रहते हैं सभी फिल्म हस्तियों के लुकर लाइक। ये है सलमान, ये है अनिल कपूर, साथ में हैं जैकी श्रॉफ और हैं शाहरुख खान। ये क्या, एक और सलमान खान, साथ में हैं उनकी आइटम मन्नी और ये हैं कृष्णा बैंड वाला। मामला गड़बड़ है, सलमान की उनकी आइटम मुन्नी से अपनी एक सेटिंग है। प्यारी भाई और बहनों, कैसी पायदान बा पायदान मोहब्बत परवान चढ़ रहा है, है ना? मोहब्बत की पप्पियों से पेट तो नहीं भरता है ना। मुश्किल ये है कि कृष्णा बैंड वाला और राजा की आपस में नहीं बनती, पर इन दोनों को आपस में मिलाने आया है आपका हैप्पी, यानी कि हैप्पी सिंह। भाई बहुत दिन हो गया ना आपके गाने की किक नहीं पड़ी, भाई आज तो जलवा दिखा दो ना भाई। देख, गाने की किक नहीं पड़ी, चलो जाएं से। अबे चिल्लर पार्टी तुम लोग फिर शुरू हो गए। मैंने बताया ना, उस बैंड वाले के साथ मैं कभी काम नहीं करूंगा। ए, तू जानता है ना मैं कौन हूँ? भाई जानता हूँ ना भाई, भाई आपने शाहरुख भाई के लिए मौला मेरे लेले मेरी जान गाया था, आपने शाहिद भाई के लिए आपने भाई चस्का चस्का गाया था, भाई आपने इमरान हाशमी के लिए पहला आपकी कशिश, फिर उसके बाद आपने सोनियो गाया, भाई भाई अपनी सनी लियोनी के लिए आपने भाई ग्लैमर सकिया गाया, भाई आपका अभी आया ना इंतकाम देखेगी। भाई आपको एक अंदर की बात बताऊं क्या भाई, भाई आज सलमान भाई का बर्थडे है भाई। बर्थडे? सलमान भाई का बर्थडे? फिर तो जलवा होना चाहिए ना। अरे मस्ती कर रहे भाई, सलमान भाई मैं आ गया हूँ तुम्हारा, वेलकम नहीं करोगे हमारा? एवरीबॉडी वॉचिंग दिस, मेरी क्रिसमस एंड अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2018। आप सबका नया साल बहुत अच्छा जाए इस दुआ के साथ। सबसे पहले अगर बात करें, क्या कहना चाहेंगे आप, कहाँ से बिलोंग करते हैं शुरुआत में? मैं उड़ीसा से बिलोंग करता हूँ। हिंदुस्तान के मुख्तलिफ जगहों पे मेरी परवरिश हुई और मेरी स्टडीज़ हुई हैं और काफ़ी टाइम मैंने पंजाब में अपने लाइफ में बिताया है, अबाउट 11-12 साल। सो सबसे ज़्यादा पंजाब में रहा हूँ, बट पूरे हिंदुस्तान में रहा हूँ। जी, स्ट्रगल तो ज़िंदगी भर जारी रहती है इंसान की, इंसान है ये ज़िंदगी जो है हमारी, इसमें पूरा स्ट्रगल रहता ही है। बड़े से बड़े स्टार भी स्ट्रगल करते हैं और सब लोग स्ट्रगल करते हैं, तो अपना, लेकिन सबका अपना अपना तरीके का स्ट्रगल होता है, मेरा अपना तरीके का स्ट्रगल है। सो इट इज़ वेरी एन्जॉइंग, बहुत अच्छी जर्नी रही है मेरी बॉलीवुड में और काफ़ी बड़े बड़े गाने मैंने गाए हैं और हमेशा उसको सराहा गया है। मेरे फ़ैन्स हैं जो, मैं नहीं कहूँगा करोड़ों फैंस हैं, बट जितने लाखों फैंस हैं मेरे, वो सब मुझे पसंद करते हैं, मेरे गानों को पसंद करते हैं, इस बात की खुशी है मुझे। मैं, जैसे आपको मैंने बताया कि मैं उड़ीसा में बहुत कम रहा हूँ, बट थ्रू आउट मेरे फादर एयरफोर्स में थे, इसलिए मैं पूरे हिंदुस्तान में मेरी स्टडीज़ हुई हैं। तो उसी तरह से मुंबई एक जगह है जहाँ मैं आया ड्रीम्स लेकर, जैसे सब लोग आते हैं, तो उस तरह से आकर अपने ड्रीम को परसू कर रहा हूँ। वैसे गाने मेरे काफ़ी हिट हैं, लेकिन चक दे इंडिया का जो गाना है मेरा, मौला मेरे ले ले मेरी जान, उसने मेरे को बहुत पॉपुलैरिटी दी उस गाने ने। उससे पहले भी मेरे गाने हिट हुए थे, बट उसके क्रेडिट बाकी लोगों को मिल गए थे, उस वजह से लोग इतना लाइमलाइट में जान नहीं पाए। बट मौला के आने के बाद लोगों ने, जब यूट्यूब में या गूगल में सर्च किया, तो उनको पता चला कि वो वाले गाने भी मैंने गाए हुए हैं। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं मेरे। उस टाइम यूट्यूब इतना हिट नहीं था जी, उस टाइम से बात करें, लेकिन आपको काफ़ी पॉपुलैरिटी मिली जी, आपके लिए मिल का पत्थर बनी जी, क्या लाइनें थी गाने की? तीजा तेरा रंग तो तू ही था मौला, तू ही आन,
मौला मेरे ले ले मेरी जान, मौला मेरे ले ले मेरी जान। देखिए सिंगर्स बहुत रेयरली होता है कि लोग बाई फेस पहचान लेते हैं उसे, जब तक आप म्यूजिक वीडियोस नहीं करते हैं या जब तक आप किसी टीवी चैनल पे यू नो जज बन के या फिर किसी और तरीके से पोर्ट्रे नहीं होते हैं या आप नहीं दिखते हैं टीवी पर, तो लोग इतना जल्दी से पहचानते नहीं हैं आपको। बट यस, जब भी मैं कॉन्सर्ट्स करता हूँ, शोज़ करता हूँ, वहाँ पर लोग मेरी आवाज़ सुनते हैं और वहाँ पर बहुत पसंद करते हैं। और लोगों को मैंने अपने गानों पर, मेरा नमस्ते लंदन का जो गाना है तेरी याद साथ है, उस गाने पर मैंने लोगों को रोते हुए भी देखा है। तो लोग फील करते हैं कि उस तरह का जो मेरा सूफियाना जॉनर है जिसमें मैं गाता हूँ, तो उसको लोग पसंद करते हैं और वो रिलेट करते हैं उस चीज़ को। कहने को साथ अपने एक दुनिया चलती है, पर छुपके इस दिल में तन्हाई पलती है, बस याद साथ है तेरी याद साथ है। ये जो गाना है तेरी याद साथ है नमस्ते लंदन का, ये बहुत पॉपुलर हुआ था, लेकिन ये इसे राहत फतेह अली खान और मैंने दोनों ने मिलकर गाया है, इट्स अ डुएट। बट लोगों को जनरली क्या है कि वो काफ़ी हाइप ये हो गया कि सिर्फ उन्होंने गाया है, तो ऐसा नहीं है, इट्स अ डुएट और सबको उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। देखिए एज अ प्लेबैक सिंगर आपको हर तरह का गाना गाना पड़ता है, लेकिन अगर आप बोलेंगे कि मुझे किस तरह के गाने पसंद है, किस तरह के गानों को मैं रिलेट कर सकता हूँ, तो ऐसा ये गाना एक ऐसा है जिसमें मैं अपने आप को रिलेट कर सकता हूँ। सूफियाना म्यूज़िक जो है सोल से जुड़ा हुआ संगीत है, आपकी रूह से जुड़ा हुआ संगीत है, रूहदारी है इसमें, तो मुझे ये बहुत पसंद है इसलिए मैं गाता हूँ। मैंने ऑलमोस्ट सभी स्टार्स के लिए गाया है, मैंने मिस्टर बच्चन के लिए भी गाया है फिल्म दीवार में, मैंने रक्त में गाया अभिषेक बच्चन के लिए, और उसके बाद मैंने संजय दत्त जी के लिए गाया। मेरे गॉडफादर संजय दत्त हैं जिन्होंने मुझे इंडस्ट्री में चांस दिया, और संजय दत्त सर की वजह से आज मैं जहाँ भी पहुँचा हूँ उनकी वजह से है। तो बिकॉज उन्होंने मुझे सबसे पहले जब मैं उनको अपना गाना सुनाया तो उनको बहुत पसंद आया, तो उन्होंने मुझे ब्रेक दिया और मुझे लोगों से मिलवाया कि इसको चांस दो, तो बहुत उससे बहुत फ़र्क पड़ा मेरी करियर को, मेरी लाइफ को। पहला गाना जो मैंने मुसाफिर में गाया था, ज़िंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, वो गाना बहुत पॉपुलर हुआ। फिर रुद्राक्ष में इश्क खुदाई गाया, और उसके बाद फिर ज़िंदगी में कोई कभी आए ना रब्बा, आए जो कोई तो फिर जाए ना रब्बा, देने हो गर मुझे बाद में आंसू तो पहले कोई हंसाए ना रब्बा। ये जो गाना था इससे मेरी पहली रिकॉर्डिंग थी, विशाल शेखर भी तब शुरू कर रहे थे अपना करियर, तो विशाल शेखर के साथ ये गाना किया था उस टाइम पे, और ये गाना बहुत पॉपुलर हुआ था। संजय गुप्ता जी की फिल्म थी मुसाफिर, तो यहाँ से मुझे ब्रेक मिला। देखिए मैं एक्टर तो हूँ नहीं कि किसी के हाँ सिंगिंग में हम फॉलो कर सकते हैं। मैं नुसरत फ़तेह अली खान साहब मेरे गुरु हैं, उनसे उनके गाने सुन सुनकर मैंने उस चीज़ को अपने में अंदर ढालने की कोशिश की है, और कहीं ना कहीं उनका इन्फ्लुएंस रहता है हमेशा मेरी गायकी पर। मैं मुंबई के अंदर ही हूँ, मैं कहीं परफॉर्म नहीं कर रहा। 31st एक ऐसा एक डे होता है जो आप अपनी फैमिली के साथ बिताएं तो बेटर है, तो परफॉर्म हम सारा साल करते ही रहते हैं। हाँ 31st में ऑब्वियसली अगर मैं प्रोफेशनल बात कहूँगा तो वो ये है कि अगर प्रॉपर कोई अच्छा शो मिलता है जिसमें कि हमें पूरा मेहनताना मिले तो डेफिनेटली करते हैं, अगर नहीं मिलता है तो हम इट्स बेटर टू स्पेंड इट फैमिली, सो आई एम हियर इन बॉम्बे ओनली, मैं कहीं नहीं जा रहा। आने वाले बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं, कई फिल्मों के लिए गाया है, वो सब रिलीज़ होने वाली हैं, और एक मैंने कहा कि एक मैंने अभी फैन बॉय सिंगल सलमान सर के लिए जो किया है भाई अपना भाई, और दूसरा फैन बॉय सिंगल एक बड़े सुपरस्टार के लिए कर रहा हूँ जो कि एक सरप्राइज़ है, वो भी आने वाला है, तो उस पर अभी काम चल रहा है, तो डेफिनेटली आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा कि क्या क्या। जी
नहीं ऑब्वियसली देखिए, मैं जिस तरह की मेरी गायकी है, जिस तरह के मेरे फैंस हैं, वो कभी पसंद नहीं करेंगे कि मैं कोई ऐसी हरकत करूं जिससे कि कंट्रोवर्सी क्रिएट हो, और उस स्पेशली अपने फेम के लिए. मैं जितना भगवान ने दिया उससे खुश हूं, और आगे कहीं ना कहीं ऊपर वाले ने चाहा तो डेफिनेटली और भी पॉपुलैरिटी मुझे मिलेगी. तो कंट्रोवर्सी करके पॉपुलैरिटी लेना मेरे मन में ये चीज़ नहीं आती कभी, क्योंकि वैसी पॉपुलैरिटी बहुत दिनों के लिए नहीं रहती है, वो सस्टेन नहीं रहती है. तो लोगों को आजकल और मीडिया की वजह से लोग इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो गए हैं कि लोगों को पता चल जाता है कि ये डेफिनेटली किया हुआ है फॉर पॉपुलैरिटी. तो वो चीज़ करके फ़ायदा नहीं है जो कि पकड़ी जाए. चोरी वैसी करनी चाहिए जो पकड़ी ना जाए. नहीं, मेरे घर में माहौल कोई ऐसा नहीं था. मेरे फादर ने मुझे बहुत प्रोत्साहन दिया. वो इंडियन एयरफोर्स में थे, बट उन्होंने मुझे हमेशा कहा कि तुम एक अच्छे गायक बन सकते हो, तो तुम ट्राई करो. आज मेरे माय फादर इज़ नो मोर, बट कहीं ना कहीं उनकी दुआ, उनका आशीर्वाद मेरे साथ है, और वो जो चाहते थे मैं वो कर पाया, इस बात की मुझे खुशी है. देखिए, मुझे नुसरत साहब के सभी गाने बहुत पसंद हैं, और मैं उनको रेगुलरली एवरीडे बेसिस पे सुनता हूँ. कार में जब मैं ट्रैवल करता हूँ तो ट्रैवलिंग के टाइम पे भी मैं उसको सुनता हूँ और उसको अपने जहन में बिठाता हूँ. तो मेरे लिए कोई ऐसा नहीं है. मैं बॉलीवुड के कम गाने बहुत सुन पाता हूँ. बेसिकली FM वगैरह चलाओ तो आजकल वही उस तरह के गाने, एक जैसे गाने सारे साउंड करते हैं, और किसी का मुखड़ा किसी का अंतरा जुड़ा हुआ लगता है. ऐसा लगता है ये वाला गाना सुना हुआ है, उसका अंतरा सुनो तो दूसरे के मुखड़े से मिलता है. तो वैसा म्यूज़िक सुनकर मज़ा नहीं आता है. बहुत ऐसा नहीं है कि अच्छा काम नहीं हो रहा, अच्छा काम भी हो रहा है, बट बहुत रेयर हो गया अच्छा काम. बाकी सब ये डिक चक चल रहा है, और कोई वो नहीं है. और ये रैप रूप से जो आ गया है, इसका बड़ा मतलब हमारे यूथ के ऊपर बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है. तो अच्छा संगीत जो है वो ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट. न्यू ईयर के लिए कोई गाना ऐसा उसको बड़ा अजीब सा लगता है. मैं नुसरत साहब का एक गाना गा रहा हूँ आपके लिए, और ये सभी के लिए हैप्पी न्यू ईयर विशेष के तौर पर. तो सानू एक पल चैन ना आवे, सानू एक पल चैन ना आवे, सजना तेरे बिना दिल कमला डुब डुब जावे, दिल कमला डुब डुब जावे, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना. मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया. मेरे रश के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया. हैप्पी न्यू ईयर.